उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबां की है। कान रखकर सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझको खुदा ने आली खानदान किया। दिल्ली मेरा वतन है, मेरी पैदाइश 1340 हिजरी 14 जिलहज बमुताबिक 1821 ईस्वी है। सौ पुश्त से है पेशे आबा सिपह गरी, कुछ शायरी ही जरिए इज्जत नहीं मुझे। फूफा मिर्ज़ा नौशा साहब का ये शेर मेरे भी हसब हाल है। जिस दिन से पैदा हुआ खुदा ने आज तक रोज़े बद नहीं दिखाया। दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर के रेजिडेंट विलियम फ्रेजर और दाग के वालिद नवाब शमशुद्दीन खां में किसी बात पर सख्त इख्तलाफ हो गया था। एक रवायत ये भी है कि फ्रेजर का दाग की मां छोटी बेगम से ताल्लुक़ था, जो नवाब शमशुद्दीन से बर्दाश्त नहीं हो सका। कुछ दिन बाद नवाब के मुलाजिमों के हाथ फ्रेजर का कत्ल हुआ और इल्ज़ाम नवाब पर आया। जब दाग की उम्र 4 बरस की थी, नवाब शमशुद्दीन को फांसी की सज़ा मिली। क्योंकि छोटी बेगम और नवाब शमशुद्दीन का बाकायदा निकाह नहीं हुआ था, वो पूरी तरह से बेसहारा रह गई। लिहाजा दाग को रामपुर उनकी खाला उम्दा खानुम के पास भेज दिया, जिनका नवाब यूसुफ अली खां से ताल्लुक था। फिर जब दाग की उम्र 13 साल की थी, साहिब आलम मिर्ज़ा फखरू वली अहद बादशाह बहादुर शाह जफर ने छोटी बेगम को अपनी तीसरी बेगम बनाकर उन्हें लाल किले ले आए। दाग को भी रामपुर से बुला लिया गया। मिर्ज़ा फखरू ने दाग की तालीम और तरबियत के लिए सारे इंतज़ाम किए जो शहज़ादों के लिए हुआ करते थे। अरबी, फारसी और उर्दू के अलावा घुड़सवारी, खुशनवीसी और बंदूकबाजी सब में तालीम दी गई। जब मिर्ज़ा फखरू ने देखा कि शायरी दाग को रास आई, तो उनको मशवरा दिया कि वो भी उनके उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ौक के शागिर्द हो जाएं। मैं हज़रत ज़ौक का शागिर्द ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्ला लेह की दरगाह में हुआ था। नवाब फ़तेहुल मुल्क बहादुर मिर्ज़ा फखरू ने मेरी तरफ से हज़रत ज़ौक की खिदमत में एक दो शाला और कुछ अशरफियां पेश कीं। उस्ताद ने उसी वक्त एक गजल पर इस्लाह फरमाई। उस रोज से मामूल हो गया कि सपहर के वक्त उस्ताद के दरे दौलत पर हाजिर होता, मगरिब के बाद वहां से वापसी होती, बादशाह की गजल और मेरी गजल पर खुद अपने दस्तों कलम से इसलाह फरमाया करते थे। मिर्ज़ा गालिब, जो रिश्ते में हमारे फूफा लगते थे, अक्सर किले आया करते थे। एक दफ़ा उन्होंने बादशाह को अपनी गज़ल बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले यह गज़ल सुनाई, तो बादशाह को यह ज़मीन बहुत पसंद आई। हुक्म हुआ इस तरह में मुशायरा हो। हमारी जवानी का ज़माना था, तबीयत पूरे जोश पर थी, हमने भी गज़ल कही और मुशायरे में पहुँचे। अर्ज़ किया है कि हुए मगरूर वो जब आह मेरी बेअसर देखी, तवज्जो चाहूँगा, हुए मगरूर वो जब आह मेरी बेअसर देखी, किसी का इस तरह या रब न दुनिया में भरम निकले, रहे उल्फत को एक सीधा सरस्ता, हमने जाना था मगर देखा
तो इस रस्ते में सदहा पेचो हम निकले। और तवज्जो चाहूंगा, बुरा हो इस मोहब्बत का के इसने जान से खोया, लगा दिल उस सितमगर से अजल का जिससे दम निकले। और अर्ज करता हूं, गए हैं रंजो गम ऐ दाग बादे मर्ग साथ अपने, अगर निकले तो ये अपने रफीकाने अदम निकले। किसी का इस तरह या रब न दुनिया में भरम निकले, किसी का इस वाह 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 भाई, करीब आए आप हमारे, खुश रहे। भाई सुभान अल्लाह मियां, हर दूसरे तीसरे दिन मिर्ज़ा गालिब की खिदमत में हाजिर होता था, मुख्तलिफ बातें हुआ करती थीं, शतरंज भी होती थी। फूफा जान अर्ज किया है, तवज्जो चाहूंगा, कौन तेरा शौक मेरा चाहिए, झूठ सच के वास्ते क्या चाहिए, नजरों से कल गिर ही पड़े, आज तो कोई ठिकाना चाहिए। भाई सुभान अल्लाह। अचानक मिर्जा फखरू हैजे में 1856 में फौत हो गए। छोटी बेगम और दाग एक बार फिर बेसहारा हो गए। उसके एक साल बाद 1857 का इनकलाब हुआ तो दाग को हमेशा के लिए अपना वतन छोड़ना पड़ा। फलक जमीन व मलायक जनाब थी दिल्ली, बहिश्तो खुल्द से भी इंतखाब थी दिल्ली, जवाब काहे को था लाजवाब थी दिल्ली, मगर ख्याल से देखा तो ख्वाब थी दिल्ली, कहाँ तक आह लिखूं इसका हाल बर्बादी, कहाँ तक आह कहूँ आसमां की जल्लादी, किसी को कैद महन से नहीं है आज़ादी, के दाग दाग है दिल हर कोई है फरियादी। जब दिल्ली बर्बाद हुई तो हाजी पे रोजगार हुई और रामपुर। अपनी बीवी के साथ फिर दाग ने खाला के घर में पनाह ली। 15 साल की उम्र में ही खाला की बेटी से उनकी शादी हो गई थी, लिहाजा अब वो घर जमाई की तरह रहने लगे। नवाब यूसुफ अली खां की हयात तक वो रामपुर और दिल्ली में बतौर शाही मेहमान रहे। जब नवाब कल्बे अली खां गद्दी नशीन हुए तो दाग उनके मुसाहिब और अहलकार बने। तब तक पूरे हिंदुस्तान में उनकी शायरी की धूम मच गई थी और उनके शागिर्द बज़रियाए डाक उन्हें अपना कलाम भेजने लगे। नई गज़ल, हंगामे मर्ग गिरिया यहाँ बेकसी, इसको यूं करिए, हंगामे निज़ा यहाँ, हंगामे निज़ा गिरिया यहाँ बेकसी का था, ताबके देखा करें, नहीं नहीं ताबके नहीं, ये जुबान नहीं, कब तलक देखा करें हर रोज उनका इंतजार। इस तरह 12-13 साल गुजर गए। फिर जब दाग की उम्र 50 की हुई तो वो पूरी तरह से कलकत्ते की एक तवायफ मुन्नी बाई हिजाब के इश्क में मुब्तला हो गए। उसे आज
समझ आई कुदरत हक नजर दिलो दीगा जिसको न पास हो यही ना मुराद है देख लो जिसे दाग कहते हैं ऐब दो इसी रूसिया का नाम है उसे आज देख के जलवगर मुझे आई कुदरत हक नजर दिल गया तुमने लिया हम क्या करें जाने वाली चीज का गम क्या करें आ गया बेनजीर का मेला दिले पाबंदे वजा खुल खेला दिल को मैं ढूंढता रहा ना मिला आँख मिलते ही फिर पता ना मिला शोखियाँ हैं हिजाब में कैसी लंतरानी लंतरानी जवाब में कैसी शोखियां हैं गजब तो ये है कि दूर बैठी हो पास होती तो सैर होती कभी तुम्हारे गिर्द घूमता और शोले इश्क बन जाता कभी तुम्हें शम्मा करार देता और पतंगा बनकर कुर्बान हो जाता खुदा के वास्ते जल्द आ जाओ मैं तुम्हारे लिए बिलबिला रहा हूँ जाके अहदे शबाब का आना था दोबारा हिजाब का आना मगर रामपुर में दाग के रकीब पैदा हो गए थे इसलिए रामपुर आने से पहले हिजाब रास्ते में कुछ दिन बदायूं में नवाब हैदर अली खां के यहाँ रुकी जो नवाब कल्ब अली के भाई लगते थे तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था तुम्हारे खत में न था रखी आखिर वो नाम किसका था तुम्हारे खत आली जनाब नवाब साहब तस्लीमी नियाज कबूल हो खूब मालूम है आपको कि आपके मुकाबले में मैं सिवाय इसके कि अपने इश्क की आग में जल भुनकर कबाब हो जाऊं कुछ नहीं कर सकता आप जानते हैं कि दाग हिजाब के तीरे नजर का बेतरा घायल है आपकी दिलबस्तगी के लिए और भी सामान हैं लेकिन ये बेचारा हिजाब को न पाए तो कहाँ जाए और कहीं जाए तो वो फांस जो दिल में पैवस्त है कैसे दूर हो दाग हिजाब को रामपुर रोकना चाहते थे कलकत्ते की रहने वाली थी उसे मुस्तकिल रामपुर में रहना क्यों मंजूर होता तुम दो दिन के लिए नवाब हैदर अली खां के यहाँ क्या गईं? हमारे दिल पर अजीब सा आलम गुजर गया हम नहीं मानते कि तुम किसी तरह से मजबूर हो गई थी हाँ इतना मानते हैं कि तुम्हारा दिलदादा कोई खूबी नहीं रखता मगर जान दे सकता है क्या हमारे रकीब ऐसा कर सकते हैं ठीक है आपको भी एक कमबख्त शहर छोड़ के हमारे साथ कलकत्ते आना होगा
ले चला जान मेरी रूठ के जाना तेरा, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना तेरा। इस मुलाकात की शोहरत तो क्या रुसवाई तमाम हिंदुस्तान में हुई, मगर जुदाई भी ऐसी हुई कि मुलाकात की कोई उम्मीद न रही। बाई जी को ये जिद बेहुदा हुई कि तमाम उम्र रामपुर की सूरत न देखूं और उन्हीं के पास रहूं। मैं एक रियासत का नौकर हूं, भला कलकत्ते में हमेशा क्यों कर रह सकूं। इस तरह कई साल तक हिजाब और दाग में चौंचलेबाजी चलती रही। फिर 1887 में नवाब कल्बे अली खां का इंतकाल हुआ तो नक्शा ही बदल गया और दाग ने भी रामपुर को खैरबाद कहा। अब फिर वही फिक्र माश सामने थी। कुछ अरसे भटकने के बाद हैदराबाद से बुलावा आया, जहां वो उस्ताद निज़ाम महबूब अली पाशा मुकर्रर हुए। आला हजरत हुजूर पुरनूर की नौकरी बजा ला रहा हूं, गजलें इस्लाह हो रही हैं, अलावा मनसब जलील उस्तादी के अब मैं स्टाफ खास में भी दाखिल हुआ। तमाम उम्र का रफीक और आशिक़े ज़हर मुझसे छूट गया, क्या कहूँ, किससे कहूँ, क्या करूँ। सदमा तो बहुत है, मरहूमा को ज़ुबाने उर्दू पर बड़ी कुदरत थी। अक्सर मुहावरे में मेरी मदद फरमाया करती थी। मिल जाए कोई आशिके देरीना तो पूछूं किस तरह बसर करते हैं अय्यामे जुदाई। अब हिजाब की मोहब्बत ने फिर जोश खाया और फिर दाग से मिलने के लिए तैयार हो गई। दुश्मन जानी, ऐन इंतजार में तुम्हारा मोहब्बत नामा दस्तियाब हुआ। कई बार पढ़ा, आंखों से लगाया, चूमा और छाती पर धर रहा। तुम लिखती हो कि मुझे भूल जाओ, ये कर लोगे जब ही तुम्हारे पास आऊंगी। खूब, तुमको भूल जाऊं, तू भूलने की चीज नहीं, खूब याद रख। नादान, किस तरह तुझे दिल से भुलाएं हम। अच्छा, अब तुम यहां आ जाओ, फिर हम दोनों एक दूसरे को भूलने की कोशिश करेंगे। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, लिखो कब आ रही हो। Wow.
हिजाब आए दिन सरगना रहती हैं, वो हंसी दिल लगी, वो ठिठोल सब गायब। अक्सर मामूली बातों पर इख्तिलाफ करती हैं और झगड़ा कर बैठती हैं। मेरी उम्र का तकाजा नहीं है कि उनकी इस तलवन मिजाजी का मुतहम्मिल हो सकूं। कल देर तक अख्तर जान के बाब में झगड़ा करती रही, कहने लगी, इन सब गाने बजाने वालियों की अब क्या जरूरत है, निकाल दो सबको। मैंने कहा, गाना सुनने का न सिर्फ मुझे शौक है बल्कि मौसीकी का दीवाना हूं। हिजाब, तुमसे बेहतर ये कौन जानता है। फरमाया, न बीनाई रही न कान से सुना जाता है, कहाँ की मौसीकी और कहाँ का शौक। इतनी बड़ी रकम पे अख्तर जान को क्यों रखा है, और रखा भी है तो पाबंद क्यों किया है, कल से गाना बंद। मैंने कहा, हिजाब, अब इस जिद और तिरिया हट का तो इलाज नहीं है। जब तक तुम्हारे वजीफे और वजाहिफ नहीं छूटेंगे, उस वक्त तक तुम इंसान नहीं बन सकती, और जब तक इंसान नहीं बन सकती उस वक्त तक मेरे काम की नहीं हो सकती। इलाही, तूने हसीनों को क्यों किया पैदा, कुछ उनकी जात से दुनिया का इंतज़ाम नहीं। जिस रोज़ से ये झगड़ा खड़ा किया है, मुझे ये गाना सुनने ही को नहीं मिला। मैं तो समझाते समझाते थक चुका हूँ। इस वाक़े के कुछ महीने बाद 17 फरवरी 1905 को उर्दू के इस बेमिसाल शायर ने भी इस दुनिया से हिजाब कर लिया।